हमें जब जैसे ही पता लगा कि हमने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। इतनी खुशी आज तक किसी भी मेडल में नहीं हुई कि इंडिया के लिए पहला एशियन मेडल जीता है। मुझे आज बहुत खुशी है, एक पिता होने के नाते मैं चाहता हूँ हर देश को ऐसा पुत्र मिले, हर बाप ये चाहता है मेरा बेटा मेरे से अच्छा अचीव करे। मुझे बहुत खुशी है और ये पूरे देश को खुशी है। किस प्रकार कैसा अनुभव था? तो जैसे ही हम मैच खेल के पीछे आए, हमारे कोचेज ने हमें सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दी, ये नहीं पूछा कि मैच कैसा रहा या फिर, क्योंकि कोचेज के शक्ल पे भी वो एक खुशी झलक रही थी अलग ही। और हमें जब जैसे ही पता लगा कि हमने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। इतनी खुशी आज तक किसी भी मेडल में नहीं हुई कि इंडिया के लिए पहला एशियन मेडल जीता है। ये वो सक्सेस है ना जो अपने अगल बगल टीममेट से आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और मैच के बीच में लेकिन नहीं कर सकते हैं। ये हम अपना इंडिविजुअल मैच खेलते हैं, उसके बाद में टीम का जब स्कोर काउंट होता है वो टीम मेडल आता है। बिल्कुल, और यहाँ पर जब आप राष्ट्रीय ध्वज ऊपर के और राष्ट्रीय गान बजा विदेशी सरहद जी, उस लम्हे को बताएं कैसा फीलिंग? वो तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो अंदर की एक आवाज होती है वो जो बाहर निकल नहीं पाती इतने आसानी से। वो काफी अच्छा मोमेंट होता है वो अगर आप शायद स्पोर्ट्स पर्सन होते तो आप जान पाते वो, तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा मैं। बिल्कुल नहीं, हम भी मानते हैं, हमें भी वो फीलिंग आई थी बहुत। तो और यहाँ पर अब आपका अगला लक्ष्य अभी कल मिक्स का मैच है, तो आई होप एशियन में एक और मेडल लेके आए इंडिया, कोशिश करेंगे हम पूरी, एंड उसके बाद नेशन चैंपियनशिप है जिसमें कोटा लाने की पूरी कोशिश रहेगी। देश के लिए गौरव रखा है, रचा है, एक इतिहास रचा है, गोल्ड लेकर आया है एशियन गेम में, किस तरह देखते हैं क्योंकि आप उसके फादर हैं? मुझे आज बहुत खुशी है, एक पिता होने के नाते मैं चाहता हूँ हर देश को ऐसा पुत्र मिले, हर बाप ये चाहता है मेरा बेटा मेरे से अच्छा अचीव करे। मुझे बहुत खुशी है और ये पूरे देश को खुशी है। किस प्रकार से तैयारी कराई थी आपने इस क्षेत्र में उसको? गवर्नमेंट के उसमें ही करता था, अपनी जगतपुरा शूटिंग रेंज है वहीं से शुरुआत की थी उसने पहले, तो यहीं से वो करता गया, आगे भेज दिया, फिर दिल्ली गया, तो कोच है उनके दीपक दुबे जी, उनके सानिध्य में उसने प्रैक्टिस की, आज भी वही कोच है। और अपने राजस्थान में बहुत ही अच्छे कोच है कुलदीप शर्मा जो बहुत ही ईमानदार और नेका थे। तो लगातार कब से ट्रेनिंग ले रहा है वो? वो जब 13 साल का था तब चला गया था, उसके बाद में बचपन से उसको शौक था तो 13 साल से कर रहा है। फिर उसने फर्स्ट में ही स्टेट में मेडल लिया था अपना, उसके बाद में तो हर साल मेडल। अब चूंकि चीन देश में जा गोल्ड मेडल लेकर आया है, इसको किस तरह देखते हैं क्योंकि बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए, देश का नाम रोशन किया है इसने। ये पूरे देश के लिए एक बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी की बात है, हमें पूरा गौरव है, अपने बच्चे पे भी, पूरे देश पे भी, देश का नाम रोशन कराना चाहता हूँ हमेशा, आगे भी ऐसे ही विजेता बनते हैं। एक दिन में आप दो मेडल ठोकेंगे भारत के लिए, एक स्वर्ण पदक, दूसरा कांस्य पदक। सर सोचा था कि अपने देश के लिए मेडल जीतूंगा यहाँ पर, बट ये नहीं सोचा था कि दो मेडल जीत जाऊंगा एक दिन में। टीम वाला कितना खास है, जो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ भी आप एक सक्सेस शेयर करते हैं वो कितना खास है? वो गोल्ड मेडल है और ये शूटिंग में भारत का इस एडिशन में पहला गोल्ड है, तो गोल्ड खाता आप लोगों ने बोला। हाँ सर काफी खास है वो, एक तो नॉर्मल गोल्ड मेडल नहीं है वो, उसी के साथ हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है तो वो उसमें और 4 चांद लगा देता है, तो काफी सर खुशी है उस बात की कि हम टीम मेडल में हमने गोल्ड मेडल जीता है और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एशियन गेम्स में। बिल्कुल, और यहाँ पर जब आप तीनों पोडियम पे खड़े हुए और राष्ट्रीय गान बज रहा, राष्ट्रीय ध्वज विदेशी सरजमीं चाइना पे बज रहा, तो उस फीलिंग को बताइए अपने शब्दों में। सर वो एक ऐसी फीलिंग है कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर, मतलब वो एक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट एक एथलीट का होता है जब वो पोडियम पे खड़ा हो और गोल्ड मेडल के साथ अपने नेशनल फ्लैग को देख रहे हैं, नेशनल एंथम चल रहा है बैकग्राउंड में, वो सर सबसे बड़ा हमारे बिग मूवमेंट होता है। टीम के स्वर्ण पदक के बाद इमीडिएट फोकस इंडिविजुअल इवेंट के लिए और फिर उसमें से मेडल लाना, वो कैसा था वो जो लम्हा था और पूरा फिर वहां से ब्रॉन्ज जीतना, वो क्या था? सर हम इसी चीज की ट्रेनिंग करते हैं कि जैसे हमारा इंडिविजुअल खत्म होता है तो हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमारा फुल फोकस के साथ हम फाइनल्स में जाएं और वहां पे भी अच्छा परफॉर्म करके मेडल जीते। अगला लक्ष्य ओलंपिक्स, तो सर वो एक लक्ष्य है परमानेंट, बाकी उसके बीच में जैसे हमारे ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन आते हैं वो सब भी हम अच्छा से खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने देश को मेडल दिलाएं। और हाल फिलहाल तो अभी मेरा नेक्स्ट 3P का मैच बचा है तो मेरा फोकस अभी उसी की ओर है।